दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क पे। आज मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ लेक पिछोला के किनारे बसे हुए बहुत ही सुंदर से शहर उदयपुर से। अभी मैं ट्रिप करने निकला हूँ राजस्थान का, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट है उदयपुर। इनफैक्ट ये ट्रिप शुरू हो गई थी जब मैंने मुंबई से स्लीपर बस पकड़ी थी। पहले मैं आप लोगों को मुंबई वापस लेकर चलता हूँ, मुंबई से उदयपुर तक की अपनी जर्नी शेयर करता हूँ फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्लान बताता हूँ कि हम लोग उदयपुर से और क्या क्या करने वाले हैं। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ मुंबई में एक बस स्टॉप पे, जहाँ से मैं बस लेके जाने वाला हूँ उदयपुर। मेरे लिए नया है, इंटरेस्टिंग है, ओवरनाइट बस है, स्लीपर बस है। इतनी लंबी बस यात्रा मैंने नहीं की थी। 6 बजे मुंबई से शुरू होगी, मुंबई के मलाड से शुरू होगी और उदयपुर पहुँचेगी कल सुबह 11। ये ट्रिप सोलो नहीं है, आगे मैं डिस्क्लोज करूँगा कि कौन है मेरे साथ इस ट्रिप पर। तो चलिए इस जर्नी को शुरू किया जाए। फिलहाल जिस बस से मैं जाने वाला हूँ, उस बस का नाम है जिंग बस। उसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी कि ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग है, आप देख सकते हैं कि बस कहाँ पर है। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में मेरी बस यहाँ आने वाली है, फिर मैं यहाँ से निकलूँगा उदयपुर के लिए। ये आ गई है मेरी बस, झिंग बस। ये भारत बेंज की बस लोडिंग हो गई सामान की। दोस्तों, मैं बैठ गया हूँ अपनी बस में। साइड की लोअर की नीचे वाली सीट मिली है, बर्थ मिली था सर। अगर आप लोग पहले से बुकिंग करेंगे तो शायद ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। मैंने लास्ट मोमेंट बुकिंग की, इसलिए साइड लोअर वो भी एकदम गेट के पास। नॉट द बेस्ट ऑफ द सीट्स, बट जो है सो यही है। तो जर्नी शुरू हो गई है, मलाड से निकल पड़े हैं। कुछ 15-16 घंटे बिताने इस बस के अंदर। ये है हमारा 55 किलोमीटर चलने के बाद, 2 घंटा बिताने के बाद पहला स्टॉप। ऑफिशियली ये डिनर स्टॉप है, लेकिन मैंने अपने लिए कॉफ़ी और डिनर के लिए काफ़ी अर्ली है तो पैक करा लिया सैंडविच। यहाँ से 20 मिनट का टाइम इन्होंने दिया था कि 20 मिनट बाद यहाँ से चलेंगे, तो 20 मिनट बाद निकलते हैं, चलते हैं हम लोग उदयपुर की तरफ। तब तक मैं इन्जॉय करता हूँ कॉफ़ी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और इस समय हम लोग हैं राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे, रुके हैं एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। उदयपुर यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कॉफ़ी पी ली, इडली खा लिया, ठीक ठाक था, नॉट बैड। रात भर सोने में थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि लोअर बर्थ मिली थी, गेट के पास मिली थी। तो ये मेरी टिप होगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग रेगुलर बस पे नहीं चलते हैं, स्लीपर बसेज पे, तो जब भी पॉसिबल हो तो ऊपर वाली बर्थ लीजिए और पीछे की तरफ लीजिए, शांति से सो पाएंगे। अगर आगे बर्थ मिल गई लोअर साइड में काफ़ी मुश्किल होगा, लोग चढ़ते उतरते रहते हैं और काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं उदयपुर की तरफ, लगभग 2 घंटे की जर्नी और बची है। होपफुली जो टाइम इन्होंने दिया था 11 बजे का, तब तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। लगभग 17.5 घंटे की यात्रा करके मैं फाइनली पहुँच गया उदयपुर। इतनी लंबी बस यात्रा मैंने नहीं की थी, आप लोगों ने अगर की हो तो कमेंट कर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, रीज़न पहले बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं होटल, जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। मुझे पिक करने के लिए मेरे साथी यानी कि तेज भाई आए हैं, जो इस ट्रिप पर मेरे साथ होने वाले हैं। उनके साथ ही मैं रोड ट्रिप करने वाला हूँ राजस्थान का, तो अभी वेट कर रहा हूँ उनका ही। आते हैं तो उनके साथ चलते हैं होटल की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंस भाई मुझे पिक करने आने वाले हैं बस स्टॉप पे। प्रिंस भाई बस स्टॉप पे पिक करने आए थे। प्रिंस को आप लोग पहले भी मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे, हालांकि वो काफ़ी पहले था, 2 साल पहले, तब वो अनुज के नाम से जाना जाता था, आज भी अनुज के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल प्रिंस बुलाया। तो अनुज AKA प्रिंस इस ट्रिप में मेरे साथ है, और प्रिंस के साथ हैं कुणाल भैया। कुणाल इनके भैया हैं, मेरे लिए कुणाल हैं बाय द वे। अभी फिलहाल हम लोग होटल जा रहे हैं, होटल दिखाते हैं कौन सा किया है, कहाँ किया है, कितने का किया है। पार्किंग खोजना भी बड़ी चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि पार्किंग होटल्स के आसपास होती नहीं, जो पुरानी सिटी में जो होटल्स हैं। तो एक डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया है, पहले वहाँ पार्क करेंगे, फिर वहाँ से बैग को घसीट घसीट के होटल तक लेके जाएंगे। यहाँ पीछे पार्किंग है, सिटी एरिया के अंदर पार्किंग स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है, वो पब्लिक पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और वहाँ से जो भी होटल्स हैं वहाँ तक आपको पैदल जाना पड़ेगा। अभी हम लोग बैग ढकेलते जा रहे हैं होटल की तरफ, और यहाँ पे ओवरनाइट पार्किंग का जो चार्ज दिया है उन्होंने वो है 250 रुपये। इंटरेस्टिंग है पुराने शहरों की गलियाँ, पतली पतली, जहाँ चलने की जगह ना हो। और पार्किंग वाले ने बताया कि जब यहाँ पर भीड़ होती है तो इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी निकालने में पसीने छूट जाए। तो इस तरीके से मैं पहुँच गया था उदयपुर, और उदयपुर में अभी मैं हूँ जगत निवास पैलेस नाम के एक छोटा सा होटल है, बजट होटल है। पीछे लेक पिछोला, बहुत ही सुंदर सी सेटिंग है इस जगह की।
यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं फिलहाल एक रात के लिए, आगे रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे वो नहीं पता है, प्लान करते हैं। और सिटी पैलेस भी एकदम ही बगल में, तो लोकेशन में बहुत ही सही जगह पे है। अभी आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना है जो ओल्ड सिटी है उसका, पहले लंच करना है, भूख काफ़ी लग गई है। ये होटल काफ़ी डिसेंट सा है, मुझे पड़ा 1750 रुपये का विदाउट ब्रेकफास्ट, स्टैंडर्ड रूम का, लेक फेसिंग साइड का नहीं है। लेक फेसिंग साइड होता तो शायद इसका दाम 3000-3500 कुछ इस तरीके का होता, वो अवेलेबल नहीं था। तो जो रूम मैंने लिया वो 1750 का है, रूम डिसेंट है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे तो शायद आपको दुख होगा, पर अगर एक्सपेक्टेशन लो है तो हवेली जैसे टिपिकल हवेलीज होती हैं उसमें जो रूम कार्व आउट किया जा सकता है उस तरह का होटल है। लोकेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोकेशन की है, लेक पिछोला के बिल्कुल किनारे है, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। तो इनका होटल मैंने बुक ही किया था इस रूफ टॉप एरिया की वजह से, इनफैक्ट यहाँ आने के बाद पता चला तो जितनी भी यहाँ हवेलियाँ थी, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, सबके ऊपर रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स हैं। ये भी रूफ टॉप रेस्टोरेंट उनमें से एक है। उदयपुर से हम लोग लंबी सी रोड ट्रिप शुरू करने वाले हैं, उदयपुर से जाएंगे माउंट आबू 2.5-3 घंटे, माउंट आबू से फिर जैसलमेर, जैसलमेर से फिर जोधपुर, और जोधपुर से फिर जयपुर। तो ये काफ़ी लंबा सा प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक चलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा ट्रिप होने वाला है। मुझे उम्मीद है काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं पहले लंच करने, लंच करने के बाद थोड़ा सा और जो ओल्ड सिटी है उदयपुर का उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। खाने की तलाश में 3 भूखंड निकल पड़े। उदयपुर घूमने के लिए 2-व्हीलर से अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता है, वो भी इन पतली पतली गलियों में। तो मैंने पता किया यहाँ पे 2-व्हीलर काफ़ी ज़्यादा लोग रेंट पे दे रहे हैं। एक्टिवा जैसे अगर आप गाड़ी लेते हैं तो सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक चार्ज है 300 रुपये, और अगर आप एनफील्ड लेते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े क्या 3 गुने 1000 रुपये एनफील्ड के चार्जेज हैं। शहर के अंदर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और शहर को अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है ऑन फुट। बाइक का ऑप्शन मैंने इससे पहले बता दिया था। तो पुराने से ब्रिजेज हैं जो कि लेक पिछोला के ऊपर बनाए गए हैं, एक साइड से दूसरे साइड तक आसानी से पहुंचने के लिए। ये पूरा ओल्ड सिटी ही लेक के इर्द गिर्द बसा हुआ है, और चारों तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या तो उसमें गेस्ट हाउसेज होंगे, हॉस्टल्स होंगे, होटल्स होंगे, कैफेज होंगे, बहुत सारे कैफेज हैं। सारे कैफेज रूफ टॉप हैं जो कि फेस करते हैं लेक की तरफ। उन्हीं में से एक कैफ़े हम लोगों ने भी सेलेक्ट किया है, खम्मा घड़ी। अभी उधर जा रहे हैं, देखते हैं खाना कैसा है। ये आ गया हम लोग खम्मा घड़ी रेस्टोरेंट, काफ़ी रिकमेंड किया गया था यहाँ आने के लिए। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, गार्डन है, ओपन एयर है। तो प्रिंस कुणाल और मैं पहुँच गए हैं फाइनली घूमते घूमते हम लोग खम्मा घड़ी रेस्टोरेंट। खम्मा घड़ी मतलब क्या होता है आसानी में? वेलकम, नमस्ते, वेलकम। तो खम्मा घड़ी रेस्टोरेंट में हम लोग घूमते घूमते हैं, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी। सब कुछ यहाँ लेक पिछोला के इर्द गिर्द ही बसा हुआ है। यहाँ पर भी जो वाइब्स हैं काफ़ी अच्छी है, सेटिंग अच्छी है। खाना कैसा होगा वो नहीं पता, वो खाने के बाद आप लोगों से शेयर करते हैं कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे सर्विसेज का और फूड क्वालिटी का। एम्बियंस के मामले में थम्स अप। बहुत सरप्राइजिंग है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो खाना ऑर्डर किया है वो है चाइनीज़। हमें रिकमेंड किया गया था कि कुछ अलग सा ऑर्डर कीजिएगा वहाँ जाके, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि चाइनीज़ का ऑर्डर करना ही ज़्यादा सेंसिबल होगा। जाना पहचाने से नाम चिली पनीर, फ्राइड राइस और क्रिस्पी पोटैटोज। खाते हैं फिर बताते हैं। हाँ जी प्रिंस, तो बताओ कैसा लगा आपको चाइनीज़ खाना इस खम्मा घड़ी रेस्टोरेंट में, जो कि टिपिकली स्पीकिंग राजस्थानी कुजीन वाला रेस्टोरेंट होना चाहिए था, जहाँ पर हम लोगों ने चाइनीज़ खाया, कैसा लगा? सेटिस्फैक्ट्री था काफ़ी, आई थिंक क्वान्टिटी भी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से। तो आई मीन नॉट वेरी स्पाइसी, अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो आप लोग आ सकते हैं, रिकमेंडेड है ना? बिल्कुल, मैं इट्स अ गो टू, मैं वापस आऊँगा यहाँ पर, रिविजिट करूँगा। तो अगर एम्बियंस इतना अच्छा है, खाने की क्वालिटी डिसेंट है, डेफिनेटली आप आ सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? करणी माता। हाँ, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से करणी माता, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं करणी माता मंदिर। वहाँ एक रोप वे चलता है, छोटा सा 5 मिनट का राइड है रोप वे का, उससे ऊपर जाते हैं। एक्चुअली मैं उदयपुर तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ, करणी माता जा चुका हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, वहाँ से पूरा लेक पिछोला दिखाई देता है, सिटी पैलेस दिखाई देता है, ताजमहल पैलेस दिखाई देता है। चलिए अब वहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को उदयपुर का सबसे फेमस स्पॉट्स।
यहाँ रोपवे की टिकट 170 रुपये की पर पर्सन पर एडल्ट, और पर्सनल केबिन लेना चाहते हैं तो उसके कुछ अलग रेट्स हैं, सबके अलग अलग रेट्स हैं। कॉम्बो हैं बहुत सारे आइल्यूजन और बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहें रोपवे के साथ साथ, तो वो भी कॉम्बो टिकट आप ले सकते हैं यहाँ पे सर। ये है करणी माता मंदिर का टॉप, एक्चुअली करणी माता मंदिर का और थोड़ा सा ऊपर है, पर यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार है। पूरा चारों तरफ आप देखेंगे तो लेक पिछोरा दिखाई देगा, पीछे जो लग्जरी होटल्स हैं लीला पैलेस ताज पैलेस वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और इस साइड में पूरा उदयपुर सिटी। बहुत ही सही स्पॉट है, अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। उदयपुर का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है और सनसेट भी यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये हमारे पीछे करणी माता का मंदिर, और मंदिर के अंदर हालांकि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और यहाँ पर मैंने पूछा है ड्रोन उड़ाने की परमिशन के लिए, तो यहाँ पे जो मैनेजर है उन्होंने बोला कि हाँ अगर आप छोटा ड्रोन उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं। तो चलिए ड्रोन उड़ा के कुछ एरियल शॉट्स देखते हैं इस एरिया के। पहले हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि रुकें कि ना रुकें सनसेट देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके बैठे इतना सुकून है इस जगह पे कि बैठे ही रह गए, और सनसेट होने का टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं, सनसेट देख के यहाँ से नीचे जाएंगे। बेस्ट टाइम फरवरी से आई थिंक मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक रहता है, जब ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी। गर्मी के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा सिकाई हो जाएगी, तो ठंडी में आ रहे हैं यानी कि जैन एंड से लेके मार्च एंड तक भी काफ़ी अच्छा टाइम होगा यहाँ पे टाइम बिताने के लिए। लोगों से जब रिकमेंडेशन लिया गया स्ट्रीट फूड का तो लोगों ने हमें ये अड्डा बताया, भट्टी एंड बेक्स काफ़ी अच्छे मोमोज और चॉप्स बनाते हैं, तो वो खाने आए हैं। कैसा लगता है बताता हूँ अभी खाने के बाद। ये तैयार हो रहे हैं हमारे तंदूरी मोमोज। भट्टी एंड बेक्स के बगल में एक और चाट की दुकान है झील करके, वहाँ से हमने ऑर्डर किया दही भल्ला, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। प्रिंस ने पूछा कैसा डिफरेंट होना है, अच्छा डिफरेंट नाइस अच्छा। हींग की काफ़ी फ्लेवर आ रही है ना। ये हमारा आ गया पहला आइटम भट्टी एंड बेक्स तंदूरी चीज़ ऑरिगेनो मोमो। ये आ गया हमारा तंदूरी चाप, और ये आ गया पनीर टिक्का। तंदूरी चाप मैंने ट्राई किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। पनीर टिक्का भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है, पूरी तरह से चटनी में डिप। मैं बहुत पनीर काफ़ी सॉफ्ट है और मैरिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, टोटली यम्मी। हम लोगों ने जो पनीर टिक्का खाया था वो पनीर टिक्का नहीं था, वो क्या था, पनीर चिपोतले था, जिसमें दो पनीर की जो स्लाइसेस थी उसके बीच में उन्होंने चीज़ लगाया था। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। अगर आप लोग उदयपुर घूमने आ रहे हैं तो सुखड़िया सर्कल के पास है भट्टी एंड बेक्स, यहाँ पर आके तंदूरी आइटम ज़रूर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली मज़ा आएगा। और उसके बगल में एक झील करके है जहाँ पर चाट वगैरह मिलता है, चाट भी हमने दही भल्ला ट्राई किया, इट वॉज़ गुड, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड एक्सपीडिशन की समाप्ति हो रही है इस कुल्हड़ वाली चाय के साथ, गर्म होगा ओट जल जाएगा लेकिन फिर भी रिस्क ले रहा हूँ, बच गया और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। हम लोग इधर दिन में भी गए थे पर दिन में कुछ और माहौल था और रात को टोटली अलग, सारी की सारी बिल्डिंग्स लिट अप हैं और बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। उदयपुर की ओल्ड सिटी की गलियों में सारी की सारी बिल्डिंग एक से एक नायाब और रात को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, लाइट में सजी हुई, मज़ा आ रहा है इन पत्ती पत्ती गलियों में घूमने में। उदयपुर का पूरा भ्रमण करके हम लोग वापस आ गए अपने रूम पे। इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। कल एक नया दिन होगा, उदयपुर के कुछ और लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, वो वीडियो नेक्स्ट वीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल नोटिफिकेशन। अभी के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।